साथ कूटनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चलानी मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए ब्रह्मा। कुछ ही पलों में वो तस्वीरें आ जाएंगी जब प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात भी करेंगे, लेकिन इस समय क्या आंकलन इस बैठक में प्रधानमंत्री मौजूद हैं, कुछ कहा भी है उन्होंने, भारत पर क्या असर क्या फायदा भारत को होता हुआ देख रहे हैं आप? रूस एक पुराना मित्र है भारत का, हमेशा भारत के साथ रहा है और दोनों देशों के बीच में एक एनुअल समिट मीटिंग भी होती है। तो ये जो मीटिंग आज होगी पुतिन और मोदी के बीच, इसके बाद नवंबर में ये दोनों दोबारा मिलेंगे बाली में एक G20 समिट होगा, तो दूसरा मौका मिलेगा नवंबर में, और फिर मेरे ख्याल से दिसंबर में एक एनुअल समिट होगा रूस और भारत के बीच में। तो तीन मीटिंग हो सकती हैं, इंक्लूडिंग जो आज हो रही है मीटिंग। इससे पता लगता है कि रूस और भारत के जो रिश्ते हैं काफी गहरे हैं। बिल्कुल, रूस और भारत के रिश्ते गहरे हैं और बहुत पुराने हैं, और अगर हम डिफेंस की बात करें, 60% जो हम अपने हथियारें और जो सामग्री लेते हैं, सामरिक सामग्री लेते हैं, रूस से लेते हैं। अगर रूस पे जाने से पहले अगर मैं आपसे ये देखना चाहूं, जिस तरह से भारत को इस बार इसकी अध्यक्षता मिली है, प्रधानमंत्री ने जो आवाजाही की सहूलियत पर एक तरह से एक टिप्पणी भी की है, उसको आप कैसे आंक रहे हैं? पहली बात तो ये जो SCO है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही अजीब ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें जो जितने भी बाकी मेंबर्स हैं, सारे के सारे बाकी मेंबर्स ऑटोक्रेसीज हैं। सिर्फ भारत एक ही डेमोक्रेसी है SCO में। अगर भारत नहीं होता SCO में, तो SCO को तो पूरी दुनिया कहती है कि ये तो एक क्लब है ऑटोक्रेसीज का। तो SCO के लिए तो काफी फायदा है कि भारत उसका सदस्य है, मगर भारत को क्या मिलता है SCO मेंबरशिप से? एक सिंबॉलिक वैल्यू मिलता है, क्योंकि एक परसेप्शन बन रहा है कि अब भारत अमेरिका के साथ है, वेस्टर्न कैंप में है। तो SCO में पार्टिसिपेट करने से भारत को एक बैलेंसिंग एक्ट मिलता है। तो सिर्फ सिंबॉलिक वैल्यू है भारत के लिए, कोई स्ट्रेटेजिक वैल्यू नहीं है SCO से, पर SCO को भारत के मेंबरशिप से काफी फायदा है। तो ये अच्छी बात है कि इंडिया को अब चेयरमैनशिप मिली है SCO की, और अगला समिट इंडिया में होगा अगले साल। मगर ये जो SCO है, इसको हम एक कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए और इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। आप कह रहे इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, अपने आप में एक अंतर्राष्ट्रीय पटल है जब तमाम देश मिलते हैं और अपनी बातें रख सकते हैं, और जो तनाव की जो स्थितियां होती हैं, क्योंकि अब देखिए भारत चीन का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, शायद प्रधानमंत्री ने आवाजाही की बात के लिए इसलिए भी जोर दिया होगा क्योंकि अभी हमने देखा था कोरोना के दौरान जब गेहूं भेजना था हमें अफगानिस्तान, तो पाकिस्तान के रास्ते होते हुए कुछ ब्लॉक्स मिले थे और शायद प्रधानमंत्री ने इसी की ओर इंगित किया होगा। बहरहाल मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी, रूस के साथ, रूस जो आपने एक बहुत अहम बात बोली बैलेंसिंग एक्ट की, भारत के लिए भी, लेकिन अगर हम भारत और रूस के रिश्तों को इस समय देखें, यूक्रेन के साथ युद्ध में लगा हुआ है रूस, भारत ने साफ तौर से एक न्यूट्रल स्टैंड लिया हुआ है, भारत की अपनी डिप्लोमेसी है, हमारा कूटनीतिक नजरिया है हमारा, उस लिहाज से किस तरह से आप आंक रहे हैं रिश्तों को बढ़ते हुए? जो यूक्रेन का युद्ध है निधि, वो बहुत ही लंबा युद्ध बन रहा है, और लंबा युद्ध कैसे खत्म होगा इसके बारे में किसी को पता नहीं है। इसमें इस युद्ध से कोई विनर नहीं निकलेगा, सिर्फ लूजर्स ही निकलेंगे। रशिया भी एक लूजर है, यूक्रेन तो काफी बड़ा लूजर है क्योंकि वहां पर तो काफी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, मगर अमेरिका और यूरोप जो एक तरह से प्रॉक्सी लड़ाई लड़ रहे हैं रूस के खिलाफ, वो भी इवेंचुअली लूजर्स बनेंगे इस युद्ध से। मगर
जो पूरी दुनिया है उस वो जो उसका जो कॉस्ट है वॉर का पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। श्रीलंका में जो अभी इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ उसका एक कारण ये यूक्रेन की वॉर है थी, क्योंकि तो यूक्रेन की वॉर ने एक ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस खड़ा किया है और ऑयल की प्राइस और गैस की प्राइस इतनी हाई हो गई है कि कई देश आजकल ऑयल इंपोर्ट्स की जो कॉस्ट है दे के नॉट बेयर दैट। तो जो ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और एक तरह से फूड क्राइसिस भी बना है यूक्रेन वॉर के बजाय, इसका जो ग्लोबल इम्पैक्ट है वो काफी सीरियस है और ये इम्पैक्ट वेस्ट पर भी पड़ रहा है। देखिए यूरोप में इस समय रिसेशन की पॉसिबिलिटी काफी काफी स्ट्रांग है। हाई इन्फ्लेशन, इनफैक्ट हाइपर इन्फ्लेशन यूरोप में इस समय है और ये सारे जो, और उसके ऊपर एक एनर्जी क्राइसिस यूरोप में, तो ये सारे यूक्रेन वॉर के साथ जुड़े हुए हैं और भारत पर भी काफी असर पड़ा है इसी युद्ध का। तो भारत का जो ये न्यूट्रल स्टैंड है ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि पूरा जो नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड है, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, नॉन वेस्टर्न कंट्रीज ने एक न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया है यूक्रेन वॉर पर। मगर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है भारत के इकोनॉमी पर और जो भारत का जो ऑयल इंपोर्ट बिल इतना बढ़ गया है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स पर वीक बढ़ गया है, इसका असर तो भारत की इकोनॉमी में पड़ेगा और जितना लंबा ये वॉर चलेगा उतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा भारत की इकोनॉमी पर और बाकी देशों के इकोनॉमीज पर भी। इसके बजाय एक एक ग्लोबल रिसेशन हो सकता है। बिल्कुल, ये तुर्की के साथ, राष्ट्रपति के साथ ही मुलाकात हो रही है, वो तस्वीरें भी आ रही हैं। 8 देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं और इस समय तुर्की के राष्ट्राध्यक्ष से ये मुलाकात प्रधानमंत्री की हो रही है एर्दोगन के साथ, और ये हम देख सकते हैं। ब्रह्मा, मुझे आपसे ये भी पूछना था, ये तमाम मुलाकातें जो चल रही हैं, किस तरह से वैश्विक स्तर के जो नेता जब एक पटल पर आते हैं तो एक तरह से जिस तरह से डिफ्यूज करने का एक मौका भी मिलता है, आपसी मुलाकात होती है, अपनी बातें इस पटल पर रहते हैं, सवाल जवाब होते हैं, तो वो अपने उस लिहाज से बहुत अहम हो जाता है। लेकिन क्योंकि आप तेल की बात कर रहे थे, ईरान के राष्ट्रपति से भी हमारे प्रधानमंत्री की मुलाकात होने वाली है कुछ देर में, और जो सैंक्शंस लगे हैं 2019 से उसको अब समाप्त करने पर जोर वो दे रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा क्रूड ऑयल लें, हमारी जो रिफाइनरीज में यहाँ का क्रूड ऑयल जचता भी है, हालांकि हम रूस से भी ले रहे हैं। आपका क्या आंकलन है, उस दिशा में कितना आगे बढ़ा जा सकता है? क्योंकि भारत ने जो यूएस सैंक्शंस हैं उसको वो फॉलो कर रहा है और जो ऑयल इंपोर्ट्स थे ईरान से वो बंद हो गए हैं, जिससे जो भारत पर जो कॉस्ट पड़ रहा है वो काफी बड़ा कॉस्ट है। और इस समय जब ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं इंटरनेशनली, तो ये ईरान से ना खरीदना ऑयल ये भारत के लिए बहुत ही सीरियस कॉस्ट पड़ रहा है। आप देखिए कि इस समय ईरान का ऑयल कौन खरीद रहा है, भारत का दुश्मन चीन, और ये ईरान बेच रहा है अपना ऑयल हैवी डिस्काउंट के साथ, बड़े उसकी जो ऑयल प्राइस है ईरान के ऑयल की वो इंटरनेशनल प्राइस से करीब 40% कम है। तो चीन पूरा फायदा उठा रहा है और फायदा उठाने के बावजूद अमेरिका ने चीन के खिलाफ कोई सैंक्शंस नहीं लगाए हैं। तो सवाल ये उठता है कि भारत क्यों नहीं आस्ते आस्ते ईरान से ऑयल इंपोर्ट क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर वो ऑयल इंपोर्ट करना शुरू करे तो भारत का जो ऑयल इंपोर्ट बिल है वो गिरेगा, भारत के लिए फायदा होगा, क्योंकि ईरान सबसे क्लोजेस्ट देश है जो ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन है, इससे नजदीक कोई दूसरा देश नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल ईरान शुरू से जी, भारत को एक डिस्काउंटेड प्राइस दे रहा था, और तो ये ऑयल ट्रेड बंद करना ये भारत के लिए उचित नहीं है। इस समय भारत को सोचना चाहिए कि किस तरीके से ये ऑयल ट्रेड को दोबारा रिज्यूम करे।
बिल्कुल, क्योंकि वो चाबहार एयरपोर्ट से गैस पाइपलाइन सदियों से बन रही है, उस पर भी शायद गौर किया जाए। बहरहाल, अब मेरा अगला सवाल आपसे यही है, क्योंकि अब रूस के राष्ट्रपति से भी कुछ ही पलों में वो दृश्य आ जाएंगे जब मुलाकात होगी। एक तो मैं आपसे ब्रह्मा ये भी पूछना चाह रही थी कि रूस की जो बढ़ती करीबी, भारत और रूस कितने पुराने मित्र हैं ये सब जानते हैं, लेकिन भारत का झुकाव एक तरफ यूएस के तरफ भी दिखा, क्योंकि हमारी कूटनीति के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। पिछली बार जब हम चर्चा कर रहे थे, जो बाइडेन की सरकार ने किस तरह से पाकिस्तान को उसके F-16 अपग्रेड करने के लिए 450 मिलियन डॉलर्स दिए हैं, लेकिन भारत ने उस दौरान रशिया से भी अपनी मिसाइल्स S-400 कुछ मिसाइल्स के लिए भी अपने आप को अपग्रेड किया, तो S-400 मिसाइल्स। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि भारत किस तरह से बैलेंस बनाए, क्योंकि एक तरफ अमेरिका के तरफ झुकाव है, दूसरी तरफ रूस के तरफ, किस तरह से भारत आगे चल सकता है, बढ़ सकता है। निधि, आपने S-400 मिसाइल सिस्टम की बात की, ये बहुत ही पावरफुल मिसाइल सिस्टम है जो एयरक्राफ्ट को और मिसाइल्स को रोक सकता है, और इस तरह का पावरफुल सिस्टम अमेरिका के पास नहीं है। तो रूस से मिलना ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, स्पेशली चीन के खिलाफ। इस समय जो बॉर्डर क्राइसिस चल रहा है चाइनीज एग्रेशन के बजाय, तो S-400 आना बहुत ही इम्पोर्टेंट था भारत के लिए। और एक पहला सिस्टम तो डिलीवर हो गया है, सेकंड सिस्टम इस समय उसकी डिलीवरी हो रही है। मगर जो आपने F-16 की बात की, कि इस समय अमेरिका पाकिस्तान का F-16 फ्लीट मॉडर्नाइज कर रहा है, एक तो देखिए आश्चर्य की बात, एक तरफ कुछ दिन पहले IMF से अमेरिका ने $1.1 बिलियन दिलवाए पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान एक तरह से अपना जो डेट है वो रीपे नहीं कर सकता है, तो ये देश एकदम बैंकरप्ट है। और दूसरी तरफ अमेरिका $450 मिलियन की डील साइन करता है पाकिस्तान के साथ उसके F-16 को मॉडर्नाइज करने के लिए। इससे बड़ा पैराडॉक्स क्या हो सकता है? और ये मॉडर्नाइज कर रहा है अमेरिका F-16 किसके खिलाफ? भारत के खिलाफ, क्योंकि नया एवियोनिक्स लगाना, नए रेडार्स लगाना पाकिस्तानी F-16 पर, ये सिर्फ भारत के खिलाफ यूज हो सकते हैं। तो एक तरफ अमेरिका भारत का दोस्त है और काफी गहरा दोस्त है, और भारत को कई वेपन सिस्टम्स बेचता है अमेरिका हर साल, करीब 3 से लेकर $4 बिलियन वर्थ ऑफ वेपन्स अमेरिका बेचता है भारत को। तो एक तरफ तो एक गहरी गहरी दोस्ती है भारत के साथ, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है भारत के खिलाफ। तो इस स्थिति में भारत और रूस के रिश्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूस भारत के लिए इंपॉर्टेंट है विजेवी चाइना, क्योंकि चीन के ऊपर नॉर्दर्न साइड पर रूस है, साउदर्न साइड पर इंडिया है। तो शुरू से जब से दोस्ती बनी थी रूस और इंडिया की, जब इंदिरा गांधी थी 1971 में जो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुई थी, इस फ्रेंडशिप के पीछे चीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था। अभी भी रूस इंडिया की जो रिश्ते हैं उसके पीछे चीन के बारे में जो म्यूचुअल कंसर्न है दोनों देशों का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर उस लिहाज से देखें, आपने चीन का भी जिक्र किया और रशिया, क्योंकि अमेरिका से जिस तरह से डील करना है उसे यूक्रेन में, तो चीन की तरफ झुकाव रशिया का और भारत के साथ जो रिश्ते हैं और हमारे जो चीन के साथ बॉर्डर पे जो स्थितियां बनी हुई हैं, अभी एक दिन पहले दो दिन पहले ही कुछ हल्का सा राहत की खबर आई है, लेकिन फिर भी भारत के लिए बहुत तनावपूर्ण हालात हैं, स्थिति है बॉर्डर पर, और जिस पर कोई ज्यादा मदद शायद, आप कैसे आंक रहे हैं स्थिति को? एक बात यह कि वेस्टर्न पॉलिसी के बजाय, स्पेशली वेस्टर्न सैंक्शन जो लगे हैं रूस के खिलाफ, उसके बजाय अब रूस चीन के साथ गहरी दोस्ती कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, और इसका पूरा फायदा रूस उठा रहा है, सॉरी चाइना उठा रहा है, क्योंकि अब चाइना के पास एक देश है जो ऑयल और गैस उसको बेचेगा हैवी डिस्काउंट के साथ। तो अगर भारत के पास इस तरह का नेबर होता ना जो
ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार होता, वो भी हेवी डिस्काउंट के साथ, तो भारत की इकोनॉमी डबल डिजिट में ग्रो करती। भारत के पास कोई नेबरिंग देश है नहीं जो उसको ऑयल एंड गैस सप्लाई करे, मगर अब चीन के पास रूस है जो खुलेआम कहता है कि जितना भी आपको ऑयल एंड गैस चाहिए हम बेचेंगे और हैवी डिस्काउंट के साथ बेचेंगे। तो इससे जो चीन का जो इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बढ़ेगा, इसका इम्पैक्ट भारत पर पड़ेगा, अमेरिका पर भी पड़ेगा इवेंचुअली, पर भारत पर डायरेक्टली पड़ेगा। दूसरी बात जो आपने की बताई आपने निधि, जो टेंशन हैं इंडिया चाइना बॉर्डर पर चीन के बॉर्डर एग्रेशन के बजाय, 28 महीने हो गए जब से चीन ने कुछ एरियाज में, लद्दाख के एरियाज में घुस के उनको ऑक्यूपाई किया। अब जो बड़े बड़े इंक्रोचमेंट थे चीन के देवसंग में और देमचुक में, वो अभी भी कायम है, क्योंकि अब चीन तो उन इंक्रोचमेंट्स के बारे में बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। पर जहां पर छोटे इंक्रोचमेंट्स किए थे चीन ने, वहां पर चार जगह पर बफर जोन्स आ गए हैं। एक बफर जोन इस हफ्ते अग्री हुआ था दोनों देशों के बीच। अब ये चारों बफर जोन्स आए हैं भारत के अपने टेरिटरी पर, तो इससे साफ पता लगता है कि चीन एक ही बहुत ही स्किल्ड नेगोशिएटर है जो नेगोशिएशंस यूज करता है अपने डिमांड्स इम्पोज करने के लिए। और पहले तो वो नेगोशिएशंस लंबे खींचता है कि दूसरा साइड एकदम थक जाए, और थकने पर दूसरा साइड फिर चीन के डिमांड्स एक्सेप्ट कर लेगा। यही हो रहा है क्योंकि जो ये बफर जोन्स बने हैं जो इस हफ्ते बना है हॉट स्प्रिंग्स गोगरा पे, भारत का जो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 था वो अब बफर जोन के अंदर हो गया है। इसका मतलब कि जो भारत का जो एक्सेस था अपने एरियाज का वो खत्म हो गया। तो ये जो बफर जोन बन रहे हैं ये एक अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। और चार बफर जोन्स बन चुके हैं, एक तरफ तो हम बोल सकते हैं कि इन बफर जोन्स के बजाय क्लैशेस की पॉसिबिलिटी अब हट गई है, मगर दूसरी तरफ जो नुकसान पड़ रहा है भारत के लिए उसके बारे में तो हमें हमें कुछ वी शुड बी कंसर्न अबाउट इट। बिल्कुल, बट जो बड़ी पिक्चर ये है कि चीन एक लंबी खेल खेल रहा है हिमालयस में। वो पूरा जो वो क्या कर रहा है कि एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है वॉरफेयर। बिल्कुल, लेकिन ब्रह्मा बिल्कुल कूटनीति में जिस तरह से आपने कहा कि चीन थकाता भी है, लेकिन कूटनीति में धैर्य एक बहुत अहम अस्त्र होता है। और एससीओ की बैठक चल रही है इस समय समरकंद के उज्बेकिस्तान में, क्या क्या निकल कर आता है, भारत के से क्या लगता है, इस पर लगातार हम सबकी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मा चलानी जुड़ने के लिए।